संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा युवा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में हुए इस छात्र सम्मेलन में छात्रों की परेशानी रखी गई, साथ ही शासकीय पीजी कॉलेज में जो अनियमितताएं हैं उनके बारे में भी बात की गई और कहा गया कि कॉलेज में ना तो रेगुलर कक्षाएं लगती हैं और ना ही छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति ही मिलती है और भी कई बातों पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि गर्म तेल में ही पूड़ी तली जा सकती है, ठंडा तेल तो आटे को भी खराब कर देता है। इसलिए कॉलेज के अंदर शौके शहादत भी क्या चीज है जाने, हमने हथेली पर अपना सर ले लिया है, कत्ल होने से आगे कहां तक करें हम। अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों से आपको उनकी राजनीति का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को आने की जरूरत। विद्यार्थियों का काम और शिक्षकों का काम केवल शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा देना अकेला नहीं है, शिक्षा के साथ अन्याय के खिलाफ सक्रिय रूप से। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ का गुना पीजी कॉलेज का नौवा छात्र सम्मेलन स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन कॉलेज की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। कॉलेज के अंदर जो पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों का अभाव है, साथ ही में रेगुलर क्लास नहीं लगती हैं, सभी छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, कॉलेज के अंदर जो समस्याएँ, इन्हीं समस्याओं को लेकर ये छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया डीएसओ के प्रदेश अध्यक्ष मुदित भटनागर ने छात्रों को संबोधित किया। भगत सिंह यादगार मंच के संयोजक लोकेश शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी। साथ ही में सम्मेलन में गुना पीजी कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही में इसमें छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें ड्रामा माइंड देशभक्ति गानों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया।